हाय गाइस, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित रिव्यू सिस्टम। आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स पे आने वाली एक मूवी के बारे में। 8 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगी। नाम है अद्भुत। जी, अद्भुत नाम है वैसे तो मूवी का, लेकिन टाइटल जो है अद्भुत है क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है। एज इज वेल यू नो, बॉलीवुड अभी जो रिसेंटली जितनी भी मूवी दे रहा है सब हॉरर के ऊपर दे रहा है। जैसे 3-2 की सक्सेस आपने देखी, मुंजिया देखी, एंड उसके बाद काकुड़ा आपने देखी, बहुत सारी मूवी जो हॉरर के ऊपर बनती आई है अभी रिसेंट में जो बन रही है। ये मूवी के बारे में बात करता हूँ। इसमें जो कास्ट है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, दियाना पैंटी है, एंड श्रेया है, रोहन है, बहुत सारी कास्ट है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो सबीर खान हैं, इसके जो राइटर हैं वो भी सबीर खान हैं। सोनी पिक्चर्स पे ये मूवी आने वाली है, थिएटर में रिलीज नहीं होगी। जिनके पास सोनी लिव नहीं है वो सब्सक्रिप्शन ले लें और मूवी देख सकता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें जो प्ले कर रहे हैं वो एक डिटेक्टिव का किरदार प्ले कर रहे हैं। खैर, बहरहाल हम ट्रेलर की बात करते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है स्टार्टिंग में कि दो कपल होते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। सडनली दे फील कि कुछ तो है, दरवाजा खुलता है। एक हॉरर मूवी एज लाइक जैसे हम पुरानी मूवी देखते हैं, एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है क्योंकि जो मिक्सी वाला सीन भी आपने देखा है, प्लग हटाने के बाद भी मिक्सी चलती रहती है, हॉरर है। देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि आपने पुलिस को ना बुला के एक डिटेक्टिव को बुलाया, तो यानी कि ये कोई घोस्ट हंटर नहीं है या कोई बाउंटी हंटर नहीं है जो कि बाकी मूवीज में हमने देखा है। ये डिटेक्टिव है जो पता लगाया कि वो क्यों है। जैसे कि आपने 2002 में या 2000 में आई थी राज मूवी, उसमें दिखाया। इसमें भी एक आशंका है कि एक लड़की जो कि डियाना पेंटी होगी मेबी, जो कि मर चुकी है, वो घोस्ट बन चुकी है। और ये जो इसमें रोहन नाम का लड़का प्ले कर रहा है उसने मर्डर किया, जैसे राज मूवी में था भूत थी लेकिन उसका मर्डर हुआ था और वो ही आशुतोष राणा उसको ढूंढते हैं, लेकिन आशुतोष राणा उसमें डिटेक्टिव नहीं थे। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी डिटेक्टिव है, कोई घोस्ट पकड़ने वाले नहीं है। सो गाइज, मूवी ओवरऑल इस पे बेस्ड रहेगी, इस मिस्ट्री पे बेस्ड रहेगी क्योंकि ये हॉरर कम मिस्ट्री ज्यादा है। आज या तो हम इतने बड़े हो गए कि अब मुझे भूतों की मूवी से शायद उतना डर नहीं लगता, या ये उतनी डरावनी है ही नहीं जितनी पुरानी मूवी होती थी। राज में पूरी मूवी में भूत नहीं दिखाया गया था, लेकिन उसका जो साउंड इफेक्ट था, जो सिचुएशन थी, जो सस्पेंस था, कमाल था। ये मूवी में भी दिखाया गया है बेड का उठ जाना, चिल्लाना, एंड दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना, लेकिन उतना फियर वाली बात है नहीं, उतनी हॉरर है नहीं। खैर बहरहाल, आप लोगों के पास अभी कुछ है नहीं देखने को तो जाइए देखिए एंड एंजॉय कीजिएगा मूवी को। काफी कुछ दिन से कुछ आ नहीं रहा था तो सोचे चलो इस पे वीडियो बना लूँ, ट्रेलर आ गया है तो, क्योंकि थिएटर में तो रिलीज है नहीं। जिनके पास सोनी लिव हो आप देख सकते हैं एंड एंजॉय कीजिएगा। सोनी पिक्चर्स ने मूवी बनाई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो इरफान खान की तरह इस बार एक सटल सा रोल कर रही हैं, कुछ कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, कुछ एडिटिंग नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर, सीधा सिंपल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को प्ले कर रहे हैं, जो देख के आपको थोड़ा सा अजीब भी लग सकता है और थोड़ा अच्छा भी लग सकता है क्योंकि दोनों ही पोर्शन है उनके। खैर बहरहाल, जाइए देखिए अगर आपको अच्छी लगे तो। हॉरर उतनी नहीं है, फिर से मैं कह देता हूं, अगर आपको लगे और आप डरते हैं भूतों से तो फिंगर क्रॉस। टिल देन जाइए, जाके देखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।